हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कमलेश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पा रहे, फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम हो गया कि मैं आज आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। थंबनेल देखकर आप लोगों को मालूम हो गया, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आईटीआई एनसीबीटी एग्ज़ाम 2021। जो स्टूडेंट यहाँ पर एग्ज़ाम ऑनलाइन वाला नहीं दे पाए हैं सीबीटी का, तो यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर मैं आज बात करने वाला हूँ। और जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है एनुअल सेमेस्टर और बैक परीक्षा का, उनका क्या होगा, उनका एग्ज़ाम कब होगा, फाइनली मैं आज आप लोगों को बता देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी छात्रों का सीबीटी एग्ज़ाम में उनका व्यवस्था नहीं हो पाया है, या किसी भी कारणवश उनका एग्ज़ाम छूट गया है, या उनका एग्ज़ाम पेपर सबमिट नहीं हो पाया है, तो फाइनली यहाँ पर उनके लिए भी यहाँ पर उनका आ चुका है फाइनली नोटिस। तो फाइनली आप लोगों को वीडियो को कम्प्लीट और ध्यान से देखना है, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग इसे एक लाइक करिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, आप लोग को उसे दबा लेना है और घंटी वाले आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। और आप तक आईटीआई जुड़ी सभी जगह सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि आपको इस चैनल पर आईटीआई की पल पल की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को दी जाती है। और फ्रेंड्स आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। तो आइए टाइम न वेस्ट करते वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का आईटीआई का जो एग्ज़ाम है, वो आप लोगों का यहाँ पर कई फेज के माध्यम से, कई शिफ्ट के माध्यम से आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बट यहाँ पर डीजीटी का बहुत ही बड़ा गड़बड़ी है, यहाँ पर आईटीआई छात्रों के साथ यहाँ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर डीजीटी का व्यवस्था कम्प्लीट नहीं हो पाया है, फिर भी आप लोगों का सीबीटी का एग्ज़ाम करवा रहा है। बट यहाँ पर आईटीआई छात्र धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं कि उनका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन माध्यम से, ओएमआर सीट के माध्यम से पहले की तरह लिया जाए। बट यहाँ पर आप लोगों का जो सीबीटी के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले निम्मी की वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ पर 376 रुपये फीस यहाँ पर आपको पे करना है। इसके बाद ही आप लोगों का हॉल टिकट जनरेट किया जाएगा, इसके बाद ही आप लोगों का एग्जाम सीबीटी के माध्यम से, फेज के माध्यम से आप लोगों का लिया जाएगा सभी ट्रेड का। बट यहाँ पर आप लोगों का जितने भी छात्रों का एग्ज़ाम फीस सबमिट हो चुका है, तो उनके पास स्लिप भी होगा, और जिनके पास नहीं है तो उन लोग अपना फीस पेमेंट कर दें, ठीक है, तो उनको भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर जितने भी छात्रों का एग्ज़ाम फीस सबमिट हो चुका है और उनका एग्ज़ाम फेज के माध्यम से भी कम्प्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर जब उन लोग अपने परीक्षा केंद्र पहुँचे, तो वहाँ पर उनका न तो कंप्यूटर का व्यवस्था था, न तो उनका वाईफाई कैंपस लगा, न तो सीसीटीवी वहाँ पर लगा है। तो ऐसे में आप लोगों का एग्ज़ाम किस प्रकार लिया जाएगा, तो यहाँ पर डीजीटी का बहुत ही बड़ा गड़बड़ी है। पहले उसको व्यवस्था करना चाहिए, इसके बाद ही आप लोगों का सीबीटी का एग्जाम करवाना चाहिए। और ये रही बात आप लोगों का कुछ अलग बात, बट यहाँ पर जिस आईटीआई संस्थान में आप लोगों का कंप्यूटर का व्यवस्था कर दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों का सीबीटी का एग्जाम लिया जा रहा है, बट वहाँ पर जितने भी छात्रों का रोल नंबर जब सबमिट करते हैं कंप्यूटर में, तो उनका एग्ज़ाम पेपर ही स्टार्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, और रोल नंबर ही गलत बताता है। तो ये आपका सर्वर प्रॉब्लम है, और डीजीटी को पहले सर्वर को सही करना चाहिए, इसके बाद ये आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए आईटीआई छात्रों का डेट शीट जारी करना चाहिए। तो यहाँ पर आईटीआई छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि जो उनका ट्रेड है वो 2 साल से वो 4 साल का बन गया है। और यहाँ पर जितने भी छात्रों का जब एग्ज़ाम पेपर मान लो खुल जाता है किसी लोगों का, तो उसमें जो आपका क्वेश्चन आते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा, तो आपका ये कम से कम 10 बार आ रहा है इस टाइम। और यहाँ पर आज आप लोगों का जो एग्ज़ाम था, यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट था जो कि आज आप लोगों का 2 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं अभिमन्यु कुमार, आज वाला एग्ज़ाम में कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था, क्वेश्चंस नहीं बदल रहा था, बट क्वेश्चंस नंबर बदल रहा था। यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इन्होंने बताया है कि आज वाला जो एग्ज़ाम था इनका कंप्यूटर का, यहाँ पर उनका कंप्यूटर जो है वो काम ही नहीं कर रहा था, और जो क्वेश्चन है वो नहीं बदल रहा था, बट जो क्वेश्चन नंबर है वो बदल रहा था। तो इनको मैं बता दूं कि ये आपका जो एग्ज़ाम पेपर है वो सबमिट नहीं हो पाया है, और आपके पास एग्ज़ाम फीस का जो स्लिप है उसको आप लोग रखे रहें। आप लोग अपने आईटीआई कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करें, इसके बाद आप लोगों का एक एक्सेल शीट जारी होगा, जिसके माध्यम से आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से कराया जाएगा, और आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा वो 20 फरवरी के बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा, ठीक है। जिन छात्रों के यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उनका एग्ज़ाम पेपर सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो उनको यहाँ पर
एग्ज़ाम फीस को रखे रहना है और अपने ITI के प्रिंसिपल से बात करना है और उनका एक्सेल शीट एक नया तैयार होगा और उनका एग्ज़ाम 20 फरवरी के बाद लिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन और कोपा ट्रेड का जो आप लोग का 28 तारीख को आप लोगों का एग्ज़ाम था उसका यहाँ पर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिया गया था, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर जो आपका सर्वर है वो काम ही नहीं कर रहा था। आप लोगों का टेक्निकल फॉल्ट हो गया था जिसकी वजह से आप लोगों का सर्वर काम नहीं कर रहा, सर्वर डाउन हो गया था, इसके वजह से आप लोगों का एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं योगेश जोशी, सर मेरा एग्ज़ाम था आज पर हुआ सर ईमेल ID लॉगिन नहीं हुई किसी की भी। यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका जो रोल नंबर है, ईमेल आईडी तो नहीं, इनका जो रोल नंबर है वो सबमिट नहीं हो पाया। बोल रहे हैं कि मेरे साथ जितने भी छात्रों का था उस संस्थान में वहाँ पर आप लोगों का सभी लोगों का रोल नंबर ही सबमिट नहीं हो पाया, तो एग्ज़ाम किस प्रकार लिया जाए। तो मैं बता दूँ कि ये आपका जब सबमिट नहीं हो पाया तो आप लोगों का एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया है, आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। आप लोग अपने ITI संस्थान पर संपर्क करते रहें और आप लोग अपने प्रिंसिपल से बताते रहें कि आप लोगों का एग्ज़ाम फिर सबमिट हो चुका है। और इसके बाद जब आपके ITI के प्रिंसिपल बात करेंगे गवर्नमेंट ITI से, तो आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से आप लोगों का CBT के माध्यम से ही आप लोगों का लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार ITI छात्र यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम CBT का न कराकर, क्योंकि आप लोगों का यही सब कारण है कि आप लोगों का CBT का एग्ज़ाम न कराया जाए। आप लोगों का पहले की तरह ऑफलाइन माध्यम से OMR सीट के माध्यम से ही आप लोगों का एग्ज़ाम करा दिया जाए। इसी को लेकर यहाँ पर ITI छात्र बहुत परेशान है, उनके भविष्य के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर DJT को भी समझना चाहिए कि उनका जो एग्ज़ाम है पहले की तरह ऑफलाइन माध्यम से ही करा दिया जाए। बट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं आप लोग कमेंट्स आ रहे हैं जो कि सर एग्ज़ाम था आज बट इनका रोल नंबर ही नहीं वहाँ पर सबमिट हो पाया और ना ही इनका एग्जाम हो पाया, तो ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर एक स्टूडेंट का यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था जो कि उनका जो हॉल टिकट है वो तो पहले डाउनलोड नहीं हो रहा है ITI छात्रों का, और जब डाउनलोड हो रहा है तो उनका वहाँ पे ना तो एग्ज़ाम सेंटर दे रहा है, ना तो नेम दे रहा है, ना तो फोटो दे रहा है, ना तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर दे रहा है, पूरा का पूरा जो हॉल टिकट है पूरा ब्लैंक यहाँ पर आ रहा है। ऐसे में ITI छात्र भी क्या करें, उनका एग्ज़ाम भी नहीं हो पा रहा है CBT का और एग्ज़ाम डेट भी बीत जा रहा है। तो आप लोग अपने ITI संस्थान से बात करते रहिए, आप लोगों का एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर DJT का लेटर भी आया था कि जिन स्टूडेंट का यहाँ पर एग्ज़ाम छूटता है किसी भी कारणवश, या फिर एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो पाता है, या फिर उन लोग अटेंडेंस लगाते हैं और उनका एग्ज़ाम सबमिट नहीं हो पाता है, तो इनका एग्ज़ाम भी फिर से लिया जाएगा। आप लोग बात करते रहे अपने ITI कॉलेज के प्रिंसिपल से, तो इनका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा जो कि 20 फरवरी के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर कई शिफ्ट के माध्यम से आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है, जब तक आप लोगों का सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों का जितने भी छात्रों का एग्ज़ाम छूटा है तब तक उनका एग्ज़ाम नहीं होगा। और मैं बता दूं कि आप लोग कमेंट भी आ रहे थे कि सर जिनका 28 जनवरी वाला कैंसिल हुआ है उसका एग्ज़ाम कब होगा, तो उनका एग्ज़ाम भी 20 फरवरी के बाद ही उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा एग्ज़ाम में जो पेपर है वो मैंने सबमिट कर दिया था, बट जब मैं सबमिट कर रहा था ऑल क्वेश्चन को तो वहाँ पे होम पेज खुल जा रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिनका होम पेज खुल जा रहा सबमिट करने पे, तो उनको यहाँ पर डाउट्स नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का जब ऑल क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं तो इसके बाद आपको सबमिट करने के बाद आपको डायरेक्ट होम पेज पर ही लेके जाता है। तो ये आपका जिनका सबमिट होकर होम पेज पर जाता है तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही है, आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है CBT का, तो आपको आगे भी कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है।